भगवान सूर्य की उपासना के लोक पर्व छठ को लेकर उत्साह व उल्लास का वातावरण है। घर से लेकर घाट व बाजार तक में हलचल बढ़ गई है। प्रकृति को समर्पित इस पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन शुक्रवार यानी आज से नहाए खाए के साथ होगी। दूसरे दिन शनिवार को खरना होगा, रविवार को अस्तचलगामी और सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसके साथ महापर्व सम्पन्न होगा। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्षों से बड़ी नई चुनौतियां उभर रही हैं और अब समय आ गया है कि ग्लोबल साउथ के देशों को व्यापक वैश्विक भलाई के लिए एक स्वर में बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में सुरक्षा बलों के साथ चल रही मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। दिवाली के अगले दिन से ही दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। कई शहरों का AQI 300 के नीचे नहीं आ रहा है, जिसके कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब अस्पताल घोटाले में मुख्य सचिव का नाम, बेटे को पहुंचाया करोड़ों का फायदा, आतिशी ने केजरीवाल को सौंपी रिपोर्ट। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को तेलंगाना के लोगों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने कुल 6 गारंटी अभय हस्तम सूचीबद्ध की, जो बंगारू तेलंगाना के सपने को साकार करना सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि डीप फेक सबसे बड़े खतरे में से एक है, जिसका भारत की प्रणाली इस समय सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे समाज में अराजकता पैदा हो सकती है। पीएम मोदी ने मीडिया से भी लोगों को बढ़ती समस्या के बारे में शिक्षित करने का आग्रह किया। 19 नवंबर को बंद रहेंगी शराब की दुकानें, छठ पूजा की वजह से आप सरकार का बड़ा फैसला। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने एक धन विधेयक को विधानसभा में पेश करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी और मार्च में बुलाए गए बजट सत्र का भी स्त्रावसान कर दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।